माइनक्राफ्ट का एक ऐसा पैरासाइट जिसने अगर आपको एक बारी काट लिया तो आप अपनी बॉडी के ऊपर से पूरा कंट्रोल खो दोगे। और तो और माइनक्राफ्ट में एक ऐसा खतरनाक एंटिटी जो शेप शिफ्ट कर सामने वाले की जान ले लेता था, और ट्रिपल सिक्स सीड का एक ऐसा डरावना सच जिसको देखकर आप पक्का डर जाओगे। तो वीडियो शुरू होने से पहले एक प्यारा सा लाइक कर दो और आ जाओ वीडियो के अंदर। लेट्स बिगिन। माइनक्राफ्ट के अंदर हर एक प्लेयर का एक ही गोल होता है और वो है सरवाइव करना, इन खतरनाक मॉन्स्टर से अपनी जान बचा के रखना। लेकिन कैसा होगा जब आपका प्लेयर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए और वो सरवाइव करने की वजह अपनी ही जान लेने पर तुलाओ, जिसको हम सुसाइड कहते हैं। तो ऐसा ही कुछ हर्षित नाम के प्लेयर के साथ हुआ था। यस, ये एक इंडियन प्लेयर है और ये कहानी शुरू तब हुई जब हर्षित यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होल्ड ढूंढने निकला था, क्योंकि भाई हर प्लेयर की तरह उसको भी एंडर ड्रैगन को हराना था। लकीली हर्षित को यहाँ पर काफी जल्दी स्ट्रॉन्ग होल्ड मिल जाता है, लेकिन उसको क्या पता भाई एक बहुत बड़ी मुसीबत उसका इंतजार कर रही है। जैसे कि आपके साथ काफी बार हुआ होगा कि आप स्ट्रॉन्ग होल्ड में गए और आप गलती से एक ब्लॉक तोड़ देते हो और फिर उसमें से काफी सारी सिल्वर फिश निकलती हैं। और हर्षित के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है, उसके ऊपर काफी सारी सिल्वर फिश अटैक कर देती हैं। लेकिन फर्क इतना था, वो कोई मामूली सिल्वर फिश नहीं बल्कि खतरनाक पैरासाइट सिल्वर फिशेस थी। तो ये घटना देखकर हमारा हर्षित काफी ज्यादा डर जाता है, लेकिन एकदम से उन पैरासाइट ने हर्षित के ऊपर अटैक करना बंद कर दिया, जैसे कि उनका काम पूरा हो गया हो। लेकिन हर्षित को इतनी ज्यादा चोट आ जाती है कि वो एंडर ड्रैगन को मारने की बजाय वापस अपने घर चले जाता है। और जरा हर्षित को क्लोजली देखो भाई, उन पैरासाइट ने हर्षित के पैरों को बहुत बुरी तरह काटा है। और ऐसे ही दिन बीतते गए, लेकिन हर्षित के पैर की चोट का इन्फेक्शन फैलता ही जा रहा था उसकी पूरी बॉडी में। और जब हर्षित ने अपनी रिफ्लेक्शन पानी में देखी तो भाई वो देखकर बहुत घबरा गया, क्योंकि अब उसकी बॉडी का हाल बद से बदतर होता जा रहा था। और ये भी पता लगा कि भाई ऐसा होने के बाद हर्षित अपने आप को टॉर्चर करना शुरू कर देता है, जैसे कि गरम मैग्मा ब्लॉक्स के ऊपर चलना, और जैसी एक हार्ट बचता था वो वहाँ से बाहर आ जाता था। ऐसे बार बार वो अपने आप को हर्ट करता रहता था। और हद तो तब हो गई जब ज़ॉम्बी ने हर्षित के ऊपर अटैक करा तो भाई हर्षित तो बच जाता है, लेकिन वो ज़ॉम्बी भाई एक पैरासाइटिक ज़ॉम्बी बन जाता है। इसका मतलब हर्षित के अंदर एक ऐसा पैरासाइट घुस चुका है जो हर्षित को कंट्रोल कर रहा है। और तो और ये भी सुनने को मिला था कि हर्षित कुछ 10 से 11 दिन भाई गेम के अंदर सोया भी नहीं था, एंड खाने की जगह वो रोटन फ्लैश खाया करता था। हर चीज आउट ऑफ कंट्रोल जा रही थी। लेकिन सैडली एक दिन ऐसा आता जब हर्षित ने खाई में कूदकर अपनी जान ले ली थी और वो कहानी वहीं खत्म हो गई। तो भाइयों, अब कमेंट्स में हर्षित के लिए ना रिप लिखना बिल्कुल मत भूलना। समुन्द्र में घूमते वक्त आपको कई बार शिपरेक्स दिखती होंगी और आप खुशी खुशी में वहाँ से सारी लूट ले जाकर शिपरेक को बिल्कुल इग्नोर कर देते हो। लेकिन सही मायने में शिपरेक बहुत बड़ी मिस्ट्री है, और शिपरेक्स को देखकर इतना तो बिल्कुल कंफर्म है कि भाई बोट से पहले माइनक्राफ्ट के अंदर बड़ी बड़ी शिप्स हुआ करती थी जिनको ये खतरनाक पायरेट्स चलाते थे। लेकिन किसी ट्रेजेडी की वजह से ये शिपरेक्स पानी में डूब गई और पायरेट्स ने भी अपनी वहीं पर जान गंवा दी। और इसके बाद वो शिप सालों तक पानी के अंदर एकदम बंजारा पड़ी रहती हैं। एंड काफी तो ये भी कहते हैं कि कभी कभार जब भी वो शिपरेक्स के अंदर जाते हैं तो उनको बड़ी खतरनाक सी आवाज सुनाई देती है पानी के अंदर। और आप यकीन नहीं करोगे, कई प्लेयर्स ने ये भी क्लेम करा है कि उनको शिपरेक के पास कोई अजीबो गरीब शैडो देखने को मिली है। एंड जैसे ही वो पता करने के लिए शिपरेक के पास जाते हैं तो वो शैडो एकदम से गायब हो जाती है। तो शायद ऐसा भी हो सकता है जिन पायरेट्स ने यहाँ पर डूब कर अपनी जान गंवाई थी उन्हीं पायरेट्स की स्पिरिट इन शिपरेक्स को हॉन्ट कर रही है। तो अगली बार से जब भी समुद्र के अंदर जाओ ना तो भाई ध्यान रखना, जितना समुद्र आपको शांत लगता है उतना नहीं। मानो या ना मानो बट ट्रिपल सिक्स सीड एक ऐसी सीड है जिसको खेलने से प्लेयर्स कुछ ज्यादा ही डरते हैं, और ऐसा होना भी चाहिए क्योंकि ये कोई मामूली सीड नहीं है। अगर आप गूगल पर भी ट्रिपल सिक्स सीड माइनक्राफ्ट सर्च करते हो तो साफ साफ लिखा आता है ये सीड डेविल से कनेक्टेड है। तो यहाँ पर बिना देरी करे मैं ट्रिपल सिक्स सीड का एक वर्ल्ड जनरेट कर देता हूँ, और स्टार्टिंग में मैं एक जंगल के बीच में स्पॉन हुआ हूँ। एंड फिलहाल के लिए आसपास मेरे को सब कुछ नॉर्मल लग रहा है सिवाय एक चीज के, इस वाली सीड के अंदर मैंने काफी सारे ब्लॉक्स देखे जो खुद पर खुद हवा में उड़ रहे हैं। वेल, ये चीज होना माइनक्राफ्ट में कोई बड़ी बात नहीं है, तो मैं इसको इग्नोर कर थोड़ा सा आगे चले जाता हूँ। और इसी के बाद से मेरे को एविडेंसेस मिलना शुरू हो जाते हैं कि ट्रिपल सिक्स सीड में कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। जैसे कि ये देखो भाई, जमीन के अंदर नेचुरली जनरेटेड एक प्लस का साइन है। आप सोच रहे हो भाई ऐसे साइंस नेचुरली जनरेट हो जाते हैं माइनक्राफ्ट में, लेकिन जैसे ही आप थोड़ा सा आगे देखोगे आपको एक और प्लस का साइन मिलेगा। और कहानी यही खत्म नहीं होती है, आपको आगे इतने सारे प्लस के साइन दिखेंगे कि आपको अपनी आंखों पे बिलीव भी नहीं होगा। और ये साइंस डायरेक्ट एक विलेज से कनेक्टेड है, इसका मतलब भाई विलेज में भी हमको कुछ ना कुछ सबूत मिल सकता है। तो बिना देरी करे मैं जाता हूँ पहले घर में, और वहाँ पर मेरे को कुछ ऐसा दिखता है भाई, बेड को पूरे रेडस्टोन से कवर कर रखा है। और तो और जो इस विलेज के घर की चेस्ट है वो बिल्कुल खाली पड़ी है भाई, एक सिंगल ब्रेड भी नहीं रखी इसके अंदर। और बाकी जितने घर में मैं गया हर एक बेड को रेडस्टोन से कनेक्ट कर रखा है। और जिस टाइम मैं घर के अंदर था मेरे को बाहर से बड़ी तेज बेल बजने की आवाज आती है बार बार, तो मैं हड़बड़ाहट में बाहर जाता हूँ। बट बाहर निकलने के बाद पता लगता है कि भाई बेल के आसपास कोई भी नहीं है जो इस बेल को बजा सके। तो बचता है बस अब एक
एक ही ऑप्शन, अपना रिप्ले मोड चेक करना। ये देखो यहाँ पर मैं विलेज के अंदर घूम रहा हूँ। एंड एक सेकंड, अगर मैं पॉज करता हूँ और गोलम के पैर के पास फोकस करता हूँ तो ये देखो, अबे इसके पैर के यहाँ पर खून का निशान कैसे लग गया? ये चीज मैंने पहले नोटिस नहीं करी है। ओके, तो अभी प्ले करते हैं। एंड इस टाइम पे मैं घर के अंदर हूँ, एंड बेल के पास चलते हैं जरा। एंड ये खुद ही बच गई, यहाँ तो है ही नहीं कोई आसपास। ये कौन सा ग्लिच है भाई? और देखो बेल सुन के मैं यहाँ पर अभी अभी बाहर निकला हूँ। मैं तभी बोलूँ भाई कोई तो दिखाई नहीं मेरे को आसपास। और जब मैंने रिप्ले मोड थोड़ा सा रिवाइंड करा ना, तब मेरे को मिला एक सबसे बड़ा एविडेंस। जिस टाइम मैं वर्ल्ड में स्पॉन होता हूँ, पीछे एक केव दिख रही होगी आपको, और अगर आप ध्यान से जूम करके देखोगे तो जरा ये देखो, यहाँ पर कोई एंटिटी खड़ा है। मतलब भाई इस वर्ल्ड के अंदर मैं अकेला नहीं था। तो चलो अब आप मेरे को बताओ कि 666 सीड सच में कोई कर्ज सीड है या इसमें कुछ ग्लिच चल रहे हैं। शेप शिफ्टिंग एक ऐसी पावर जिसका यूज कर कोई भी अपने आप को दूसरे का हम शक्ल बना सकता है। इमेजिन करो कि आप एक विलेज में घूम रहे हो और इतने सारे विलेजर के बीच में एक ऐसा विलेजर है जो एक खतरनाक सा एंटिटी है, बट आप उसको पहचान नहीं सकते क्योंकि वो आसपास के विलेजर्स के साथ घुल मिल चुका है। या तो ऐसा भी हो सकता है जिस वुल्फ को आपने टेम कर रखा है वो कोई नॉर्मल वुल्फ नहीं बल्कि कोई खतरनाक सा एंटिटी है जो बस एक मौके की तलाश में है कि कब आपको जान से मार सके। तो ये कहानी कुछ 4 साल पहले शुरू हुई थी और लोगों का कहना है एक प्लेयर ने अपने आप को पावरफुल बनाने के लिए नेदर में मिलने वाली सोल सैंड्स के अंदर से सोल निकाल ली थी और उन्हीं सोल्स की मदद से ये प्लेयर शेप शिफ्टिंग करने लग गया। और इसके बारे में पता जब चला जब एक गोलम एक विलेजर के ऊपर अटैक करने लग जाता है जो कि बिल्कुल नॉर्मल चीज नहीं है और अनफॉर्चुनेटली उस प्लेयर की वही मौत हो जाती है इस गोलम की वजह से। और आप यकीन नहीं करोगे, जब वो प्लेयर मरा तो उस जगह पर आसपास काफी सारी सोल सैंड्स आ गई थी जमीन के अंदर और यही वो दिन था जिसके बाद से चीजें बहुत ज्यादा डरावनी होना शुरू हो गई क्योंकि एक एलेक्स नाम के प्लेयर ने जस्ट अभी नया ये वाला वर्ल्ड ज्वाइन करा था एंड स्टार्टिंग के डेज में उसने भी वही चीज करी जो बाकी प्लेयर्स करते हैं और अपने सर के ऊपर एक छत बना ली। तो इसके एक दो दिन तो काफी ज्यादा नॉर्मल गए, अपने माइनक्राफ्ट वर्ल्ड ने उसने काफी ज्यादा प्रोग्रेस भी करी और एक ब्लशी नाम का वुल्फ भी पेट कर लिया था। लेकिन एलेक्स को कुछ ऐसा महसूस होता है कि इसका वुल्फ थोड़ा सा नॉर्मल नहीं है क्योंकि वो ऐसी हरकतें करता है जो काफी ज्यादा क्रीपी थी, जैसे बिना बात पर किसी भी एनिमल पर अटैक कर देना और तो और भाई ये विलेजर्स को भी मार देता था जो कि नॉर्मल वुल्फ कभी नहीं करता। और एक बार तो एलेक्स ने अपने वुल्फ को घर की चेस्ट ओपन करते हुए देख लिया, जिसको देखकर एलेक्स थोड़ा सा घबरा जाता है और वो डिसाइड करता है कि भाई ये वुल्फ और हरकतें करे उससे पहले ये वुल्फ को मार डाले। और होता भी कुछ ऐसा ही है, सिर्फ 2 या 3 हिट्स में ये अपने वुल्फ को मार डालता है। और ये करने के बाद एलेक्स थोड़ा दुखी तो हो जाता है लेकिन उसको लगता है कि भाई अब सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। 2 या 3 दिन बाद वही वुल्फ एलेक्स से घर के बाहर बैठा मिलता है, जिसको देखकर एलेक्स बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और वो उस वुल्फ को अपने घर के बाहर ही रखता है। लेकिन जो आगे होने वाला था वो एलेक्स ने भी नहीं सोचा था। एलेक्स रात होने के बाद अपने घर में सोने चले जाता है और चांद निकलते ही वो वुल्फ शेप शिफ्ट होकर एक खतरनाक सा एंटिटी बन जाता है। और 2-3 दिन पहले एलेक्स ने इसको मार डाला था, इसलिए शेप शिफ्टर एंटिटी ने अपना बदला लेने के लिए इस एलेक्स को जानलेवा तरीके से जलाकर मार डाला था। तो गाइस अगर आपको किसी भी मॉब पर शक होना तो उससे दूर भाग जाना, क्या पता अगला शिकार आप ही बन जाओ।